मैन्युफैक्चरर थे, राइट मैन्युफैक्चरर। ये बात उन दिनों की है जिन दिनों लोग हाथ से कपड़े धोते थे, अभी वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं आई थी, पुरानी बात। जो कहानी बता रहा हूं वो एक काल्पनिक उदाहरण है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, सच्ची कहानी नहीं है, सिर्फ काल्पनिक कहानी है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बात उन दिनों की है जब लोग हाथ से कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन नहीं आई थी, तब एक ब्राइट मैन्युफैक्चरर ने वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया। पहली बार उसने वॉशिंग मशीन बनाई और बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि खाली एक बटन दबाने से, इलेक्ट्रिसिटी से, एक घंटे में सारे कपड़े धुल जाते थे। और उसको समझ में आया कि ये प्रोडक्ट बड़ा ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है और ये मेरा रातों रात में सफल हो जाऊंगा, लोग फटफट फट इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये सोचकर उसने एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन का शोरूम भी बनाया। ठीक, उसने बड़े बड़े स्टार हायर किए, रेडियो पे ऐड करी, अखबार में ऐड करी, खूब ऐड करी और वॉशिंग मशीन लॉन्च कर दी। मगर उसकी उम्मीदों के विपरीत पहले साल में उसकी मात्र दो वॉशिंग मशीन बिकी और वो बुरी तरह से घाटे में चला गया। उसने उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं थी, तो उसने तय किया कि मुझे इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। उनके एक कर्मचारी थे मिस्टर अरुण, क्या नाम था, अरुण। तो उन्होंने अरुण को बुलाया और उसको बोला कि भाई मेरे पास तुझे देने के लिए तनख्वाह नहीं है, अरुण की 3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी, तू एक काम कर ले, तू मेरी ये वॉशिंग मशीन ले जा। अब अरुण को लगा भाग के कि लंगोटी काफी, तो उसने कहा ठीक है मालिक दे दो। तो सेठ जी ने अरुण को वॉशिंग मशीन दे दी, अरुण जी वॉशिंग मशीन रिक्शा पे लाद के अपने घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने बोला ये क्या, तो अरुण जी ने कहा कह रहे क्या टीन उठा के ला रहे हो, अरुण ने कहा कि ये वॉशिंग मशीन है। अब उनकी वाइफ के लिए भी एक नया ही शब्द था, तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि ये क्या है। तो अरुण जी ने प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया, उनकी पत्नी का नाम था गीता, क्या नाम था, गीता। तो उन्होंने गीता भाभी को पूरा विस्तार से बताया कि ये वॉशिंग मशीन है, ये ऐसे कपड़े धोती है, इसमें हम बटन दबाएंगे, कपड़े डालेंगे, एक घंटे में कपड़ा धो के बाहर आ जाएगा। अब गीता भाभी हंसने लगी, कह भला ऐसे भी होता है क्या, कह रही मेरी जान निकल जाती है कपड़े धोने में, इसमें थापी कौन मारेगा, कपड़ा भी थापी मारनी पड़ती है, आपने तो कभी कपड़े धोए नहीं है, कभी धोबी को कपड़े धोके देखा है, वो तो पूरा पटक पटक के कपड़े मारता है, तो इसमें तो होगा नहीं, ये तो बेकार चीज उठा लाया, भला इसमें कैसे प्रोडक्ट धुलेगा। पर अरुण जी ने जितना उस मशीन के बारे में उन्हें ज्ञान था, जितना वो बता सकते थे, उन्होंने उनको बताया। फाइनली जब भाभी की फिर भी बहुत सारी शंकाएं रह गई, तो अरुण जी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तू कपड़े लेके आ, मैं धोके दिखाता। तो भाभी ने बड़ी शंकाओं के साथ एक कपड़ों का लॉट दिया, अरुण जी ने मशीन चलाई, कपड़े धुले, और जब कपड़े धुल के बाहर आए तो भाभी जी के, गीता भाभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जितने साफ कपड़े वो धोती थी उससे भी ज्यादा साफ कपड़े थे। तो बड़ी हैरान और बड़ी अचरज में, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, उन्होंने कहा आपने तो ये कुछ जादू की चीज ला दी मुझको, यानी मुझे कपड़े धोने ही नहीं है, खाली एक बटन दबाना है और चाय पीनी है और कपड़े धुल के बाहर आ जाएंगे, खाली रस्सी में डालना है। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, जब आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जानता है क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, इतनी कम आवाज आप लोग। गीता भाभी की 4 सहेलियां थी, उनसे रुका नहीं गया, उन्होंने बोला तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं पहले अपनी सहेलियों को बताती हूँ आप क्या कमाल की चीज लेके आए। वो भागी भागी गई, उनका एक ग्रुप था सहेलियों का, 4 और 5, उनको खूब एक्साइटमेंट में बताया कि मेरे पति ने तो कमाल ही कर दिया, करवा चौथ पे तो कुछ दिया नहीं, पर जो अब दिया वो सारे करवा चौथ का पान लगा दिया। एक ऐसी मशीन लाए हैं, खाली बटन दबाना है और कपड़े धोने के झंझट से मुक्त हो गई मैं,
पूरी एक्साइटमेंट में उन्होंने पूरा अनुभव शेयर कर डाला कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब वो सहेलियां भी बात कहां, जब उसने अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया था तो उस पर कहां करती होगी। तो उन्होंने कहा चल दिखा हमें, तो वो कह रही अच्छा तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं आएगा, मैंने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कहा था, तो मैं तुम्हारे तुम अपने अपने कपड़े लेके आओ, मैं तुम्हारे कपड़े धो के दिखाता हूं। तो जब वो घर आई तो उन्होंने गीता भाभी ने बोला एक बार आप इनको मशीन के बारे में समझाओ सारी बात। तो अरुण जी ने उनकी सहेलियों को भी पूरी बात समझाई, सारा कुछ बताया। जब अरुण जी ने सब कुछ बताया तो उनकी सहेलियों को विश्वास नहीं आया, तो फिर उन्होंने उनके लॉट को धोके दिखाया। जब लॉट को धोके दिखाया तो वो सहेलियां भी बहुत हैरान हो गई, और उन चार सहेलियों में से दो सहेलियों ने कहा कि जीजा जी हमको भी ये मशीन दिलाई, हमको मशीन खरीद ली। अरुण जी ने कहा ठीक है मैं अभी सेठ जी को जानता हूँ ले चलता हूँ। वो उन दोनों को ले गए और वहां पर उस दिन सेठ जी की दो वॉशिंग मशीन बिक गई, एक मशीन 6,000 रुपए की कीमत, और अरुण जी की वाइफ गीता की सहेलियों ने दो मशीन खरीद ली। अब सेठ जी बड़े हैरान और परेशान। सेठ जी कहते हैं मुझे एक साल हो गया, मैंने सारे टीवी स्टार रेडियो पे एड, अखबार में एड, बड़े बड़े शहर में होल्डिंग लगा दिए, मुझसे पूरे साल में दो नहीं बिकी, इसने अरुण ने दो मशीनें कैसे बेच दी, उन्होंने उसको पकड़ लिया, तू बैठ तू बता मुझे दो मशीनें कैसे बेची। अब अरुण जी ने कहा जी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरी कोई सेल्समैनशिप स्किल नहीं है, ये तो मेरी वाइफ गीता ने दो मशीनें बेची। अब गीता जिसके पास कोई सेल्समैनशिप नहीं थी कुछ नहीं थी उसने कैसे बेच दी। तो फिर अरुण जी ने पूरी बात सेठ जी को बताया कि ये हुआ ऐसे ऐसे हुआ और इस तरीके से लिख गए। सेठ जी ने क्या किया, उन दोनों मशीनों में अरुण को बोला देख तुझे तनख्वाह तो देनी थी पर ये दो मशीनें तेरी वजह से लिखी हैं, तो तू 1500-1500 रुपए इन मशीनों के कमीशन ले ले और कोशिश कर जो तूने किया ना इस जो कुछ तुमने बताया ये और कर और मेरी और मशीनें लिखवा दे। तो अरुण जी का भी दिमाग चलना शुरू हो गया। अरुण जी ने कहा ठीक है सेठ जी हर मशीन का 1500 पक्के हैं, कहता बिल्कुल पक्के हैं। अरुण जी चले गए घर को। अब मेरे प्रश्न है आप लोगों से, कोई बताएगा? कुछ माइक मुझे ये बताइए आप लोग, क्या आप बता सकते हैं कि सेठ जी मशीनें क्यों नहीं बेच पाए थे और गीता भाभी ने क्यों बेच लिया? यही तो फटाफट माइक दीजिए, टाइम समय कम है सर, क्योंकि उन्होंने डेमो नहीं दिया था, डेमो नहीं दिया था सरिंग नहीं करवाया और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया तो बस उसे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया था कि किस तरह से उसको काम करता। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया संभव क्लैपिंग संभव के लिए। समय शॉर्ट है मुझे मालूम है आपके पास बहुत सारे आंसर है, मैं फटाफट बताता हूँ। जो दिखता है वो बिकता है, वेरी गुड। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखिए सबसे बड़ी बाधा ये थी कि एक नया प्रोडक्ट था, महंगा प्रोडक्ट था, उस समय 6000 बहुत ज्यादा चीज होती थी। जैसे गीता भाभी की शंकाएं थी ऐसे सबकी शंकाएं रही होंगी। तो जब कोई नया प्रोडक्ट होता है तो उसमें उस व्यक्ति को प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और जो कस्टमर की शंकाएं हैं उन्हें दूर करना पड़ता है। तो पहली चीज ये हुई कि अरुण जी ने गीता भाभी को जब समझाया तो उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में उसको एजुकेट किया। जब उसकी शंकाएं फिर भी रह गई तो दूसरी बात जो संदोल ने बोला उन्होंने भाभी को प्रोडक्ट का डेमो दिया। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और दूसरा डेमो। एक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब भी कोई नई चीज आती है लोगों को जब शंकाएं होती हैं लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन गीता भाभी अरुण जी की हॉट मार्केट में आती है सबसे क्लोज, तो इसलिए उन्हें उनकी प्रेजेंटेशन पर विश्वास भी था कि मेरा पति मुझसे थोड़ी ना झूठ बोलेगा, और उन सहेलियों को भी विश्वास था कि मेरी सहेली थोड़ी ना झूठ बोलेगी।
एक बार की घड़ी कोई सेठ जी की दुकान पे गया होता कोल्ड मार्केट से, तो जब उसको प्रेजेंटेशन देते जो क्लेम करते तो लोग डाउट करते कि यह नहीं झूठ बोल रहा है। लेकिन जब कोई आपका अपना बहुत अच्छा दोस्त हो तो वो नई चीज पे आपके क्लेम पे एक बार के लिए भरोसा करता है, और जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं मैं कह रहा हूं ना तो कर, तो चीज बिक जाती है। तो अरुण जी ने जब गीता को वॉशिंग मशीन के बारे में क्लेम किया तो उन्होंने बोला यार मैं कह रहा हूं ना तू मान जा, जा लेके आ कपड़े। तो एक विश्वास की जो डोर थी वो भी बीच में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही थी। अब आगे चलते हैं स्टोरी में। अरुण जी घर आए, उन्होंने गीता भाभी को समझाया ऐसा ऐसा हुआ, सेठ जी ने बोला है 1500 रुपए पर कमीशन मिलेंगे, अब तू एक काम कर बैठ जा, हमने ये सब कुछ दोबारा करना है। कैसे? उन्होंने कहा लिस्ट बना। तो गीता भाभी और अरुण जी ने बैठकर लिस्ट बनाई 100 लोगों की जिनको जानते हैं, और उन्होंने नियम बना लिया कि हर दिन कम से कम 2 लोगों को शाम को चाय पे बुलाना है, और उनके कपड़ों जो उन्होंने कपड़े धोने हैं उनका लॉट साथ मंगाना है। और उस समय फिर एक छोटी सी 1-to-1 हाउस प्रेजेंटेशन डिजाइन करी अरुण जी ने। क्या प्रेजेंटेशन डिजाइन कर, जो भी व्यक्ति आया सबसे पहले अरुण जी ने वहां पर क्या दी, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन देने के बाद गीता भाभी ने प्रोडक्ट की शेयरिंग करी कि बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, मैंने ऐसे कपड़े धोए, ये फायदा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। शेयरिंग करने के बाद प्रोडक्ट का डेमो दिया गया, यानी उनके लॉट को वहां पे धो के दिखाया गया। इस प्रकार से जब उन्होंने लोगों को दो दो करके बुलाना शुरू किया तो 40 लोगों को जब उन्होंने घर पे इन्वाइट करके वॉशिंग मशीन की प्रेजेंटेशन दी तो उसमें से 10 लोगों ने वॉशिंग मशीन परचेज कर ली, 10 मशीनें बिक गई। तो अरुण जी की कितनी कमाई हो गई, हर मशीन में कितने मिली, तो 10 मशीनें बिकी तो कितने मिले, 15,000। तो 15,000 रुपए की जब कमाई हुई तो अब अरुण जी की हॉट एंड वार्म मार्केट खत्म हो गई, तो कन्वर्जन गिरनी शुरू हो गई। सेठ जी बार बार अरुण को फोन करें कि भाई और मशीनें बेच, और मशीनें बेच। अब अरुण सोचने लगे क्या करें। तो अरुण जी के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? उन्होंने उन 10 परिवारों को अपने घर पे एक पार्टी पे बुलाया, टी पार्टी। किन 10 परिवारों को? जिन्होंने मशीन बेचे उनको बुलाया और पहली बिजनेस प्रेजेंटेशन ली। अभी तक अरुण जी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ले रहे थे जिसमें 3 स्टेप थे, क्या? प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, भाभी की शेयरिंग और प्रोडक्ट का डेमो। अब उन्होंने इसमें बिजनेस भी जोड़ दिया। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन में 10 परिवार लोगों को उन्होंने क्या समझाया कि देखो मैं आपको ईमानदारी और सच्चाई से बताता हूं कि जब भी एक वॉशिंग मशीन बिकती है मुझे 1500 मिलते हैं। अगर आपके माध्यम से कोई मशीन बिकेगी उस 1500 में से 1000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, 500 मैं रख लूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको GIG सिस्टम को फॉलो करना है। कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? क्या करना है? आप सभी इसी समय बैठकर 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। तो उन्होंने 10 परिवारों को बिठाया, उनका फायदा बताया, बिजनेस प्लान दिया और 100 लोगों की लिस्ट बनवा दी। लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने कहा आपने बस इतना करना है कि जो आपने लिस्ट बनाई है आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, इन सबको अपने घर पे चाय पे बुलाना है। जब आप चाय पे बुलाएंगे मैं आऊंगा, मैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दूंगा, आपने खाली प्रोडक्ट डेमो देना है और शेयरिंग करनी है, क्योंकि शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा बिजनेस एजुकेट करने का बिजनेस है। पहला क्या है, प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट किया, दूसरा उस प्रोडक्ट के बारे में अपने अनुभव शेयर किए, और तीसरा स्टेप क्या करना है, डेमो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं डेमो दे दूंगा तो आप अगर 40 गेस्ट लाएंगे 10 मशीनें आपकी भी बिक जाएंगी और आप भी 10,000 रुपए कमाएंगे, आपकी वॉशिंग मशीन फ्री हो जाएगी 4,000 और फालतू। सबको बात समझ में आई, बिजनेस प्लान ही बड़ा अच्छा था। तो सबने ऐसा ही किया और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले महीने 10 परिवारों ने 10-10 मशीनें बेची, टोटल मशीनें बिक गई कितनी, 100। कितनी, 100। हर मशीन पे अरुण जी को क्या मिला, टोटल कितने बिक गए, टोटल कितने कमाए, 50,000। खुद बेच के 15,000 और लोगों से बिकवा के 50,000। दिस इज कॉल्ड द लीवरेज इनकम।
power of multiplication of time. Clapping. अब अरुण जी तीसरे कदम पे चले गए. अब उन्होंने एक बड़ी मेगा प्रेजेंटेशन ली बिजनेस की, 100 के 100 परिवार बुला लिए और उन्होंने उनसे एक प्रपोजल दिया कि अब जो मेरे 10 लोग हैं वो लेंगे 300 रुपए, मैं लूंगा 200 रुपए और नीचे वालों को मिलेंगे 1000 रुपए, तीसरी लेयर. लेकिन जीआईजी सिस्टम में मैं 2 चीजें करूंगा. पहला, मैं एक कार्यक्रम रखूंगा जिसे बोलूंगा ट्रेनिंग कार्यक्रम. क्या चीज? ट्रेनिंग. अब पहले थी खाली प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, फिर उसमें जुड़ गई बिजनेस प्रेजेंटेशन. अब तीसरी चीज अरुण जी जोड़ रहे हैं, ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का पर्पज क्या है? डुप्लीकेशन. ट्रेनिंग पर्पज क्या है? डुप्लीकेशन. क्योंकि अरुण जी किस किस की प्रेजेंटेशन लेंगे, अब तो भीड़ बढ़ गई. तो अरुण जी ने क्या कहा, जो 10 परिवार मैंने जोड़े थे उनकी मीटिंग ली उन्होंने कि मैं आपकी ट्रेनिंग लूंगा और आपको बताऊंगा कि बिजनेस एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसे लेते हैं, अब आपने प्रेजेंटेशन लेनी है. तो उन्होंने पूरा दिन लगा के उनको ट्रेन किया और उनको बोला कि प्रेजेंटेशन आपको ऐसे लेनी है. अब 100 परिवार आ चुके थे, 100 परिवार की 100-100 लोगों की लिस्ट बनवाई, उन सबको भी बोला कि आपको 40-40 गेस्ट इंट्रोड्यूस करने हैं और यही स्टेप फॉलो करने हैं और ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस जीआईजी सिस्टम को फॉलो करना है और अगले महीने 1000 वॉशिंग मशीन बिकी जिसमें अरुण को हर वॉशिंग मशीन पे 200 रुपए मिले. कितने? 200 रुपए. बता सकते हैं अरुण का चेक कितना है? 2 लाख रुपए. अपने आप काम करके 15,000 और लोगों के काम करने से 2 लाख रुपए का चेक अरुण का. इतनी सिंपल है डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस ऑफ हार्ट. तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं 5 स्टेप का, आपसे पूछना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में 5 स्टेप कौन कौन से हैं? मैं जल्दी है, मुझे लगता है कुछ इशारा करता, मैं ही बता देता. मजा तो तब आता जब हम बात करते. पहला, यूज योर प्रोडक्ट. अगर गीता भाभी ने उस प्रोडक्ट को यूज ना किया होता तो क्या वो शेयर कर पाती दिल से? नो सर. तो यूज योर प्रोडक्ट, ये बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारे बिजनेस. देखो, और अगर आपने दिल से काम किया ना इस बिजनेस में, कुछ चाहिए नहीं. जब अपनी सहेलियों के पास गए उनकी आवाज दिल से निकल रही थी, उतनी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट तो अमिताभ बच्चन भी नहीं कर सकता जब दिल से बात करें. तो जो गीता भाभी है, सबसे पहले यूज योर प्रोडक्ट अपने दिल से किया. सेकंड, एजुकेट पीपल फॉर द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करना, शेयर द प्रोडक्ट, एजुकेट द प्रोडक्ट. ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग के. ठीक, अब मैं आपको आखिरी बात बोलने के साथ बात खत्म करता हूं क्योंकि मुझे बार बार इशारा हो रहा है कि थोड़ा जल्दी कर लीजिए. दोस्तों, जहां से मैंने बात शुरू की थी वो ये है कि गैलवे को हमें एक ऐसा ताकतवर ब्रांड बनाना है जिसे हम अपने बच्चों को दे सके. मेरी आखिरी लाइनें याद रखना, आप अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय इस बिजनेस को बिल्ड करने को दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टाइम. ये लौट के नहीं आएगा. आज जो मुझे आपके पास है 20 साल बाद नहीं होगी, याद रखना, इसको वेस्ट मत करो. तो 20 साल में जो बिल्डिंग आपने खड़ी करनी है, एक बिजनेस को खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं, एक ब्रांड को खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं. जब वर्षों लगा रहे हैं तो क्यों ना ऐसा ब्रांड बनाया जाए जिसे अपने बच्चों को दे पाए. हम रहे ना रहे हमारा नाम चले, क्यों ना ऐसा किया जाए. तो वो हम सबके एक साथ प्रयास करने से ही मुमकिन है. डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बिजनेस है जिसमें आपको मौका मिलता है लोगों का जीवन बदलने का, लोगों का जीवन बदलने का मौका मिलता है, अच्छे से अच्छे काम करने का मौका मिलता है. इन्हीं गुड विशेष के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि भगवान करे मेरी बात अगर आपको समझ में आ जाए और हम गैलवे को ऐसा ब्रांड बना सकें कि हमारे पोते भी इस ब्रांड के ऊपर मान कर सकें, तो मैं कहूंगा आज का भाषण सफल हो गया. थैंक यू वेरी मच.